अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं स्ट्रिप्स से बो घंट के डिज़ाइन बताऊंगी आपको। लॉन्ग स्ट्रिप्स जो है, जो आजकल फैशन मेन है। सपोज ये आपका ट्राउज़र है, फर्स्ट आप इसको डबल करें। अब इनसाइड लेग जो है, जिसे आसम की सिलाई भी कहते हैं, वो हम लगाएंगे। नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे पहले। जब ये सिलाई लगा चुके हैं तो इसको सीधा करें। सीधा करने के बाद मैं ये स्ट्रिप बनाई है, ये तकरीबन आप 3 इंच जो है वाइड लेंगे और लेंथ इसकी इस तरह मेजर करेंगे। ये डबल है, डबल करने के बाद आपने 5 के साथ इसको रखना है। जितना लंबा आपने स्ट्रिप को बनाना है उतना आप उसको बाहर रखेंगे। ये 5 की फरमाइश निकालने के बाद ये हम काउंट नहीं करेंगे। मैं बो जो है वो छोटी बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको 10 इंच लॉन्ग भी कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी, अगर आपने ज़्यादा लंबी पहननी। तकरीबन 6.5 है, ये आधी इंच जो है वो इसकी सिलाई में चली जाएगी, बाकी 6 रह जाएगी। ये सिर्फ ऊपर छोटा सा जो है वो नज़र आएगा। अगर आप इसको लॉन्ग बनाना चाह रहे हैं तो आप 10 इंच जो है वही 12 इंच मोर ऐड कर सकते हैं। अब स्ट्रिप्स को किस तरह सिलाई करना है, इसके लिए जितना पंच है उसको हम निशान लगाने के बाद यहाँ एक छोटा सा कट लगाएंगे। मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। कट लगाने के बाद अपने रॉन्ग साइड पे इसकी यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ लगा लाते हुए अगर आप इसको तिरछा बनाना चाह रहे हैं तो तिरछा कर लें, तो आप इसको सीधा ही इस तरफ ले आएं, चाहे यहाँ से शुरू कर लें और इस निशान तक आपने इसको सिलाई करना है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। दोनों साइड पर सिलाई लगाई है, इसको हम सीधा करेंगे। इसको सीधा करने के बाद 5 के साथ आपने इसको अटैच करना है। 5 आपने जहाँ से आपने सिलाई लगाई है वहाँ से इसको शुरू नहीं करेंगे, वो अंदर की तरफ ये बो जो है वो नज़र आएगी। इसको आप 5 को जो सेंटर है वहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ हम निशान लगा लेते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा सा कट दे दें उतना जितना सिलाई में आ जाए। अब राइट साइड से इसको इस तरह रखेंगे और सिलाई करते जाएंगे। ये इस तक आके आपने इसको छोड़ देना। जब आप इसको स्टिच कर चुके तो ऐसे 1/2 इंच जो है वो अंदर प्रेस करने के बाद इसके ऊपर रखें। चाहे तो इस साइड से सिलाई लगा लें या इसी साइड से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाएं। हाथ वाली सिलाई भी लगा सकते हैं और मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। गिरा लगाएंगे। मैंने ये स्ट्रिप जो है वो छोटी बनाई है, आप इसको 10 इंच की भी बना सकते हैं और 12 इंच की भी। ये स्ट्रिप आप जितनी लॉन्ग बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन इसको जिस तरह स्टिच करना है वो मैंने आपको बता दिया।